सीनियर पत्रकार, मैं आपसे एक बार, आप कह रही हैं कि सीनियर पत्रकार है, अगर ऊपर वाला ना करता कि जिस बेटी के मामले के तहत इन्हों के ऊपर आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो बहन आपकी होती तो क्या आप दीपक चौरसिया को सीनियर पत्रकार बताती? मैं आपसे पूछता हूँ, एक बहन, एक महिला हो, दीपक, अरे सीनियर पत्रकार होंगे अपने घर के, ये है कोर्ट, ये है देश की न्यायपालिका, ये प्रधानमंत्री के लिए भी एक समान है, देश के पत्रकार के लिए भी एक समान है। और काय बात के सीनियर पत्रकार हिंदू मुसलमान पूरे दिन करते हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट किया, और ये दीपक चौरसिया कोई पहली बार ऐसे, चौरसिया के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे जो मुवाकिल हैं वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो पाएंगे, इस कारण से क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का इंटरव्यू लेने का। सुन लीजिए, दीपक चौरसिया आप कह रहे हैं सीनियर पत्रकार है, अगर आप ही आपको कैमरे के अंदर लाकर यहाँ पर सामने खड़ा कर दिया ना तो आपको दीपक चौरसिया से ज्यादा गालियां मिलेंगे इस कमेंट बॉक्स में, पता है क्यों? क्योंकि दीपक चौरसिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत गुरुग्राम की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आपको पता है इस बात के लिए। मोहसिन, क्या लग रहा है आजकल, क्या पत्रकार भी सेफ नहीं है जो दीपक चौरसिया को देखकर अगर देखा जाए तो? एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि पत्रकार सेफ नहीं है, पहली बात तो आप एक महिला है, ठीक है ना, आप जिस प्रकार की बात कर रही है, जो दीपक चौरसिया की आप बात कर रही है, जो उनका अरेस्टिंग वारंट जो निकल कर आया है, ठीक है, आप उसकी बात करिए, आपको पता है दीपक चौरसिया किस लिए वारंट निकल कर आया है? ये वही दीपक चौरसिया है जो इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया करता था, ये वही दीपक चौरसिया है जो न्यूज नेशन में रहकर देश के प्रधानमंत्री से इतना कड़क सवाल पूछता है कि जो सवाल पूछने की हिम्मत बड़े बड़े पत्रकार की नहीं होती, ये प्रधानमंत्री से पूछता है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये वही दीपक चौरसिया है जो CNRC के टाइम पर दीपक चौरसिया और तिहाड़ी सुधीर चौधरी दोनों एक साथ बैरिकेड के बाहर खड़े रहते हैं और खड़े रहकर वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं और बोलते हैं कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, जबकि अंदर घुसने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अच्छा। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम दीपक चौरसिया हो, सुधीर चौधरी हो, लगातार काम करते थे। दीपक, सुन लीजिए, दीपक चौरसिया आप कह रहे हैं सीनियर पत्रकार है, अगर आप ही आपको कैमरे के अंदर लाकर यहाँ पर सामने खड़ा कर दिया ना तो आपको दीपक चौरसिया से ज्यादा गालियां मिलेंगे इस कमेंट बॉक्स में, पता है क्यों? क्योंकि दीपक चौरसिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत गुरुग्राम की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आपको पता है इस बात के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा कि आसाराम बापू का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने जो दीपक चौरसिया जो है, दीपक चौरसिया ने उस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को पूरे टीवी पर दिखा दिया था, टेलीकास्ट करके दिखा दिया था, जिसमें जब आसाराम बापू उसके घर पर, लड़की के घर पर आते हैं, वो लड़की नाबालिग होती है, जिसके बाद उस लड़की की महज उम्र 10 साल होती है, जिसके बाद वो लड़की दीपक चौरसिया के ऊपर जो है वो गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराती है आईटी एक्ट के तहत, ठीक है ना, आपको बताता हूँ, आईटी एक्ट के तहत जो है वो इनके ऊपर FIR दर्ज कराने का काम करती है, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत। हालांकि पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती है, लेकिन मजबूरी में आकर फिर पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ती है, जिसके बाद में सुधीर चौधरी उस FIR को दर्ज FIR को खारिज कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोर्ट से उनको किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई भी राहत उन्हें नहीं मिलती है। आपने पॉक्सो एक्ट की बात करी, ये होता क्या है, नहीं पता होता लोगों को तो क्या? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप किसी भी बच्ची को, किसी भी नाबालिग लड़की को, लड़के को, आप किसी को भी टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको पता होगा। जिसके तहत मैं आपको बता दूं, आसाराम बापू जब नाबालिग लड़की के घर पे गए थे, दीपक चौरसिया ने पूरा प्रोग्राम जो है वो दिखा दिया था, जिसके बाद उस लड़की ने आईटी एक्ट के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में जो है दीपक चौरसिया के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराने का काम किया। कानून जो है, देश का जो न्यायपालिका है, वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी नाबालिग लड़की को उसको दिखाने का टेलीविजन पर काम करें। जब दीपक चौरसिया को कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो दीपक चौरसिया जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ गैर जमानती जो वारंट है वो जारी करने का काम कर देता है, जिसके बाद में दीपक चौरसिया के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर क्या बोलते हैं आपको पता है? हाँ। क्या बोलते क्योंकि हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लेने जाना था, इस वजह से वो सुन लीजिए, दीपक चौरसिया के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे जो मुवाकिल हैं वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो पाएंगे, इस कारण से क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, जिससे नाराज हो जाता है कोर्ट कि आपने एक लड़की के स्वाभिमान के साथ में पहले तो खिलवाड़ किया, उसके बाद आप कोर्ट के अंदर
इंटरव्यू का बहाना देकर आप कोर्ट के अंदर आ नहीं रहे हैं, कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तब भी दीपक चौरसिया कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए थे, ये सबसे बड़ी बात है। जिससे नाराज होकर जो वहां पर जो जज होते हैं, जो एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, मैं आपको बता दूं शशि चौहान, वो दीपक चौरसिया के खिलाफ जो है वो वारंट जारी कर देते हैं, जिसके बाद में दीपक चौरसिया के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर योगी सरकार के एक बड़े अधिकारी का एक सीक्रेट लेटर पेश करते हैं, जिसको कोर्ट खारिज कर देता है। वो कह देता है कि तो सीक्रेट लेटर है, इसमें दीपक चौरसिया का नाम ही मेंशन नहीं है, तो हम इसको कैसे पढ़ लें, और कोर्ट उनके ऊपर और फटकार लगाता है। तो अब दीपक चौरसिया की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि दीपक चौरसिया के खिलाफ अब अरेस्टिंग वारंट जो है वो निकल चुका है। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने जो है इनकी जो जमानत जो है उसको भी खारिज कर दिया। इससे पहले भी इनके खिलाफ मैं आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर 2022 को दीपक चौरसिया के खिलाफ एक अरेस्टिंग वारंट निकला था, जिसमें इसको पंजाब से जाकर इसने जमानत ले ली थी, कोर्ट से जाकर वहां पर इसने जमानत ले ली थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2022 को जब इसको कोर्ट के अंदर बुलाया गया तब भी ये कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता। दूसरी और दूसरे पक्ष के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि दीपक चौरसिया के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया तो माननीय न्यायाधीश महोदय ये तब भी उस वक्त भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए थे। यानी दीपक चौरसिया जो है वो लगातार कोर्ट से भागने का प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने एफआईआर को खारिज कराने का प्रयास किया, फिर उसके बाद में योगी सरकार के एक बड़े अधिकारी का सीक्रेट लेटर तक कोर्ट के अंदर पेश किया गया। दूसरी ओर कोर्ट के लगातार वारंट जारी करने के बाद, नोटिस जारी करने के बाद भी दीपक चौरसिया कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं। ये सरासर देश की न्यायपालिका की अवहेलना है, देश के न्यायपालिका का अपमान है। लेकिन आप खुद एक लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको आगे इस केस में क्या होने वाला है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अब होने वाला ये है कि दीपक चौरसिया का अब गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी होने वाला है। दीपक चौरसिया बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि दीपक अरे सीनियर पत्रकार होंगे अपने घर के। ये है कोर्ट, ये देश की न्यायपालिका, ये प्रधानमंत्री के लिए भी एक समान है, देश के पत्रकार के लिए भी एक समान है। और काय बात के सीनियर पत्रकार, हिंदू मुसलमान पूरे दिन करते हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट किया। और ये दीपक चौरसिया कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं। दीपक चौरसिया के बारे में आपको एक बात याद होगी कि जब केरला के अंदर एक हथनी जो है वो जो बम विस्फोट वाला जो अनानास होता है उसको खाकर हथनी की जो है आप देखते हैं कि किस प्रकार से हथनी की डेथ हो जाती है, उसको लेकर दीपक चौरसिया एक सांप्रदायिक हिंसा का रूप देने के लिए ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, जिस ट्वीट को उनको बाद में डिलीट भी करना पड़ता है। इनके ऊपर बड़ी बड़ी एजेंसियों के नोटिस भी आए थे उस वक्त भी। तो ये दीपक चौरसिया ऐसा व्यक्ति है जो मुसलमानों को पूरी तरीके से पाकिस्तान भेजने की तैयारी में लगा हुआ था। ये कोई सीनियर पत्रकार नहीं है, ये आपने इसको देखा होगा, आपने इसको देखा होगा जब इस देश के अंदर जो वीके जनरल सिंह जो है, ठीक है ना, आपको पता होगा उनके बारे में, हाँ, जनरल बिपिन रावत जो है, वीके जनरल सिंह और जनरल बिपिन रावत जो है, जनरल बिपिन रावत की जब विमान दुर्घटना में जब वो शहीद हो गए थे विमान दुर्घटना में, तो आपने देखा होगा कि जनरल बिपिन रावत का भी इसने किस प्रकार से नाम लिया था। आपको पता होगा पूरे देश ने इसके ऊपर सवाल खड़े करे थे कि ये दारू पी के आए हैं, कौन सा नशा करके आए हैं कि ये इस प्रकार से जो देश के जो आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं जनरल बिपिन रावत उनका नाम ठीक से नहीं ले पा रहे। ये दीपक चौरसिया हो चाहे सुधीर तिहाड़ी हो, ये पत्रकार लगातार देश में जहर घोलने का काम करते हैं, और कोर्ट से इन्हें किसी भी प्रकार की राहत अब नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज जो है शशि चौहान, उन्होंने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि दीपक चौरसिया जो है वो जो कह रहे थे कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, और उत्तर प्रदेश के अधिकारी का, एक बड़े अधिकारी का सीक्रेट लेटर भी कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या अब कोर्ट के अंदर अधिकारियों के लेटरों से काम चला करेगा? क्या कोर्ट को, न्यायपालिका को बंद कर दिया जाए? लेकिन मैं एक कानून का छात्र होने के नाते शशि चौहान जैसे जो हमारे जो सीनियर जो जज हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि आज भी आप जैसे जमीर वाले जज जब तक इस देश के अंदर जीवित हैं, जिंदा हैं, इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। और मैं एडिशनल सेशन जज शशि चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
एक बेटी के मामले में, एक बहन के मामले में उन्होंने पूरी तरीके से एक सटीकता को दिखाया, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, उन्होंने किसी के दबाव में बिना आए उन्होंने दीपक चौरसिया के खिलाफ वारंट जारी किया और कोर्ट की जो उन्होंने अवहेलना की है, मैं माननीय एडिशनल सेशन जज से ये निवेदन करता हूं कि दीपक चौरसिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस देश के अंदर कोई भी पत्रकार हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना ना कर सके, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना करना सरासर ये एक अपराध है। लेकिन मोहित साहब, आप जितने भी पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, फिर चाहे अंजनम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो या फिर अर्णब गोस्वामी, सारे सीनियर पत्रकार हैं। मैं आपसे एक बात, आप कह रही हैं कि सीनियर पत्रकार हैं, अगर ऊपर वाला ना करता कि जिस बेटी के मामले के तहत इन्हों के ऊपर आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो बहन आपकी होती तो क्या आप दीपक चौरसिया को सीनियर पत्रकार बताती? मैं आपसे पूछता हूँ, एक बहन, एक महिला होने के नाते बता दीजिए। लेकिन क्या लग रहा है, मैं पूछता हूँ, अगर सुन लीजिए, नहीं पता होगा, सुन लीजिए, इतना डिफेंड मत करिए किसी को, इतना डिफेंड मत करिए, मैं ये पूछता हूँ, अगर वो आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वो जो बेटी है, वो जो बहन है, अगर वो आपकी होती तो आप क्या करती? आप यहाँ खड़ी होकर गोदी मीडिया बनकर दीपक चौरसिया को डिफेंड करती? मैं भी आपसे एक राय पूछ रहा हूँ कि क्या अगर वो आपकी बहन होती तो आप, मैं भी तो आपसे जान सकता हूँ, क्या आप दीपक चौरसिया को डिफेंड करती? बताइए आप मुझे। डिफेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं आप, अरे आप उनको पूरी तरीके से डिफेंड करिए जैसे एडवोकेट आप ही उनकी हो। पूछ रही हूँ कि सीनियर पत्रकार है, उन्हें भी सारी बात नहीं, एक मिनट, नहीं सीनियर पत्रकार है, तड़ीपार एक रह के आया है, तिहाड़ी जिसको बोला था सुधीर चौधरी, उनको इतना नहीं पता कानून की, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था बच्चे को दीपक चौरसिया। आप एक मिनट, पत्रकारिता करिए नहीं करिए आपने, तो पत्रकारिता में सिखाई नहीं जाता? मैं पूछता हूँ, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई में, जर्नलिज्म की पढ़ाई में क्या सिखाया नहीं जाता? तो फिर आप कैसे बोल सकती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, दीपक चौरसिया सीनियर पत्रकार, उन्होंने गलती करी है, उनने किया है, तो क्या उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं होगी? सब चीज की नॉलेज रहती है, ये दीपक चौरसिया ऐसा पत्रकार है जो मोदी जी से पूछता है जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, मतलब महंगाई पर नहीं पूछेगा, बेरोजगारी पर नहीं पूछेगा, जेब में बटुआ है या नहीं है इसमें पूछेगा, तो ये पत्रकार नहीं दलाल है, क्योंकि ये चाटुकार है। अच्छा। मोदी सरकार को नतमस्तक करने वाले ये पत्रकार हैं, ठीक है, इन लोगों ने देश के चौथे स्तंभ की सारी मर्यादा को, सारी अस्मिता को भंग करके रख दिया। ये ऐसा पत्रकार है जो पता नहीं कौन सा नशा करके न्यूज स्टूडियो में बैठता है, न्यूज रूम में बैठता है। कभी जब ये, मैं आपको बता दूं, जब ये न्यूज नेशन में काम किया करता था, तब इसने नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल किया था कि आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, और जिस टाइम पर ये जो घटना हुई थी, पूरी जो घटना हुई थी, आसाराम बापू वाली जो घटना हुई थी, उस वक्त मैं आपको बता दूं ये इंडिया न्यूज में काम करते थे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दीपक चौरसिया है, इसने जिस प्रकार का गलत काम जो किया है, एक नाबालिग बेटी को दिखाना जिसकी महज उम्र 10 साल हो, उसको दिखाना एक गलत आपराधिक कार्य है, और कोर्ट इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता, परमिशन नहीं देता। जितने भी सीनियर पत्रकार हैं उनके जो शो होते हैं वो काफी सर्च करके होते, नहीं कोई सर्च करके नहीं होते, कोई सर्च करके नहीं होते। सुधीर चौधरी देखिए ना कितना सर्च करके बोलते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, आप ये जो गोदी मीडिया बन रही है, आपके अंदर शर्म नाम की चीज महज बची है नहीं बची है? एक बेटी की इज्जत की, उसकी स्वाभिमान किया जाती है, और सुधीर चौधरी की आप बात कर रही हैं, 24 घंटे हिंदू मुसलमान करना पत्रकारिता क्या लगता है? कितना सर्च करके बोलते हैं, आपको भी पता होगा कि जो सुधीर चौधरी का शो आता है, चलिए मैं क्या, अरे कोई सर्च करके नहीं बोलता, सामने टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है, टेलीप्रॉम्प्टर को देख के बक 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 करना सर्चिंग नहीं कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलते हैं ना, मैं खुद बहुत छोटी उम्र में न्यूज चैनल के प्रोग्राम्स को सामने से देखा है, ठीक है ना। ये जो आप हमें मत बताइए कितना सर्च करके आते हैं, अगर ये सर्च करके पब्लिक के बीच में खड़े होकर इंटरव्यू इनके देने की इनकी हैसियत नहीं है, ठीक है। और देश के अंदर जिस तरीके से कहां कब कर ली उन्होंने सुधीर चौधरी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग, बताइए ना, सीएनआरसी के टाइम। अभी आप सुधीर चौधरी की बात करती हैं, कभी आप अंजनम कश्यप की, अपनी बात पर तो जिंदा रहिए, अपनी बात पे तो खड़ी रहिए, या सारी गोदी मीडिया बन के आप ही के अंदर घुस गई, आप ही की, आप ही सुधीर चौधरी के वकील बनकर मेरे से बात कर रही हैं। नहीं, क्या है आपका सवाल? आपका सवाल, आपने ये तो नहीं कहा कि मोहित जी वो जो बेटी की इज्जत जारी दीपक चौरसिया को गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या उनको कोई ना कोई बचा लेगा, आप क्या पूछ नहीं रही हैं? है? आपने पूछ रहे उनको डिफेंड करने में लगी खड़ी होकर, पहले पूछा था कि अब इस केस में क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना डिफेंड तब करते हैं अगर आपकी बहन होती है? डिफाइन नहीं कर रही, देश को दिख रहा है कि डिफाइन कर रही है नहीं कर रही है, आपका कोई तार्किक सवाल ही नहीं है।
कौन सा वाजिब? सारे वाजिब सवाल थे। कोई वाजिब सवाल नहीं है दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया सिर्फ एक नमूना है। हाँ। अगर इसमें ये पत्र और भी पत्रकारों के लिए एक सचेत हो जाने वाली चीज है कि न्यायपालिका जो है वो सच का साथ देती है, किसी पत्रकार का नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सीनियर पत्रकार मैं आपसे एक बात, आप क्या